मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज SYBA का मराठी 210 क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। पेपर थोड़ा स्पष्ट ऊपर देख लीजिए, MAR 210 लास्ट ईयर का है, 2018 का है, देख लीजिए। मैं आपको ये बता दूँ कि ऊपर के दो तीन क्वेश्चन क्लियर नहीं है, फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मराठी मौखिक से शब्द एक है, घटक एक, कथा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। दूसरा है पांच कथाकारां ची नावेली है, घटना प्रधान कथानका कड़ून मनोविश्लेषण प्रधान मराठी कथे ने जे, उसके आगे का नहीं पढ़ने आ रहा है। कृष्णाची कथा आहे ते स्पष्ट करा, ये लिख दीजिए। बस केवल प्रश्न वन ही नहीं समझ रहा, बाकी सब बढ़िया से, उसमें भी तीन क्वेश्चन तो समझ में आ ही गए। ठीक है, देखिए, तीर कोण ते कथा प्रकार, ठीक है ना, कोण ते कथा प्रकार, क्वेश्चन पेपर ही नहीं क्लियर, इसलिए आपको भी क्लियर नहीं दिखेगा। मराठी मौखिक परखे तीर क्या है, कोण ते कथा प्रकार अणु वाला था, ऐसा कुछ है। पांच कथाकारांची नावे लिया, कथा कथा प्रधान कथान का कड़ून मनोविश्लेषण प्रधान मराठी हो जाते हैं जी। कृष्णाची कथा है ते स्पष्ट करा, आगे है नौ कथे जी स्वरूप स्पष्ट करा। ये सब पेज वन घटक वन में पेज 12 इस कथा से ही मिल जाएंगे, सारी कथा की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राधा या कथे तील आबाचे व्यक्ति चित्रण रेखाटा, ये घटक 4 से है, पेज 65 पर मिल जाएगा, अभी नोट कर लो। मागीण एक, ये जैसे राधा एक कथा तील है, वैसे नागिन है एक, या कथे चार से स्पष्ट करा, उसका मतलब क्या है वो बताओ, क्यों लिखी गई वो कथा। पेज 84 से ले लो, घटक 5 नागिन चैप्टर से। आगे भूख या कथे चार विषय कौनता है, भूख किस विषय पर लिखा गया, क्या मेन कथा का सारांश है वो लिख दो। कथा कसा रेखाटला आहे ना, हे लिहा, वो भी पेज नंबर 96 पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी को, इन्होंने कितना मेहनत किया हम लोगों के लिए। चिमड़ा या पात्रा विषय, चिमड़ा के बारे में स्पेशली लिखो, क्या है वो, कथा के बारे में मत लिखो, किस चैप्टर से, उसका क्या पात्र है उसके बारे में लिखो, हीरो के बारे में लिखो। कथानक, कथा और कथानक में क्या अंतर है, कथा कहानक कहानी जो भी है उसके अंदर स्पष्ट करो, और कथानक के बारे में अच्छे से लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, नायक पात्र आणि खलनायक पात्र, ये तो सब जानते हैं, जो अच्छा करे नायक, जो गड़बड़ करे खलनायक। ह्या संकल्पना कादंबरीच्या आधारे, किसी और का निकाल हो सकता है, कांदर में कुछ और अंतर दिया गया हो, अपने हिसाब से पढ़कर आप दीजिए। अगला है सूचकता ही संकल्पना, आपला शब्दांत स्पष्ट करा, सूचकता क्या है वो बताओ। नियमोल्लंघन, नियम का उल्लंघन, रूपक, प्रतीक, प्रतिमा, वास्तववाद, हे स्पष्ट करा, इसके बारे में दो दो लाइन। अति वास्तववाद, ये दो दो लाइन, तीन तीन लाइन लिखो, 5वीं मार्क का क्वेश्चन है। यमुना पर्यटन, इस कादंबरी का दुहेरी प्रवास स्पष्ट करिए। ब्राह्मण कन्यतील सत्यवृत्ति ही व्यक्ति रेखा, आपला शब्दांत रेखा, पेज 33 सत्यवृत्ति के बारे में आपको, वृत्त के बारे में आपको लिखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गारंबीचा बापू मधिल राधा टिप, राधा हे टिप लिया, उसके मध्य राधा, इस चैप्टर के अंदर राधा के विषय में आप लिखिए। गोतावड़ा तील नार बाबा जी दुख रेखाटा, पेज 71 से उठा दीजिए। पानीपत या कादंबरी विश्वास पाटिल या ना भाऊ साहब या ना कसा प्रकार चा, वो आगे क्या है देख लीजिए। नामुस्कीचे स्वगन, जितने बता रहा हूँ इसमें 50% आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, पेज 96। चक्र हे प्रादेशिक तेची कोंडी कशी फोल्डी तेसा, पेज 52 पे बहुत सारे आंसर्स में बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिया। अब आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, ये विषय कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये आपका मराठी है, MAR 210 कोड है, MAR 210, ठीक है, उसके हिसाब से जो है इसके बारे में लिखिए। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बुक को एक बार रिवाइज अवश्य कर डालें। तो MAR 210 के साथ अगले सब्जेक्ट के साथ जल्दी ही मिल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।